रोहतास के करगहर में हुई पैक्स अध्यक्ष बिजेंद्र यादव की हत्या को लेकर देर शाम उनके पैतृक आवास पहुंचे पप्पू यादव, जहां जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने परिवारजनों से मिलकर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जाप सुप्रीमो ने कहा कि जिले में एक एक करके सामाजिक लोगों की हत्याएं हो रही हैं, ऐसे में स्पीडी ट्रायल के तहत कथित शूटर को गिरफ्तार नहीं किया गया तो सासाराम को जाम कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने परिवार की सुरक्षा को लेकर 4 लाइसेंस की मांग की है। पीछे गुड्डू उर्फ रमेश की साजिश थी और मरवाने में शूटर का इस्तेमाल किया गया। आप शूटर की गिरफ्तारी करिए, आपको पता चल जाएगा उसके मोबाइल और गुड्डू के मोबाइल का संबंध और उसके मोबाइल और जेल के मोबाइल का संबंध। तो इसीलिए हम शूटर के को गिरफ्तारी की मांग करते हैं, इनकी सुरक्षा। और यदि आप 3 से 6 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल के लिए कोर्ट का रिफॉर्म नहीं करते हैं, इसका मतलब सरकार अपराध और अपराधियों को मिटाने में हमसे बात हमसे कोई पूछे तो हम तो कहेंगे कि शमशान जगह है, जेल में नहीं। जेल से एक्सटॉर्शन यही लोग लेते हैं, जेल से मरवाते यही लोग हैं, हर घटना यही। इन लोगों को सीधा शूट एंड साइट करना चाहिए, माफियाओं का जगह समाज में नहीं मिलना चाहिए। हम सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, यदि शूटर नहीं पकड़ा है, SIT का जांच नहीं हुआ और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की तो सासाराम बंद करें। पूरा चाहे चंद्रमा जी का मामला हो, चाहे हमारे प्रमुख साहब का मामला हो, जब भले और सामाजिक लोग नहीं बचेंगे तो फिर हमें मरने की और लड़ने की तैयारी। पीछे गुड्डू उर्फ रमेश की साजिश थी और मरवाने में शूटर का इस्तेमाल किया गया। आप शूटर की गिरफ्तारी करिए, आपको पता चल जाएगा उसके मोबाइल और गुड्डू के मोबाइल का संबंध और उसके मोबाइल और जेल के मोबाइल का संबंध। तो इसीलिए हम शूटर के को गिरफ्तारी की मांग करते हैं, इनकी सुरक्षा। और यदि आप 3 से 6 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल के लिए कोर्ट का रिफॉर्म नहीं करते हैं, इसका मतलब सरकार अपराध और अपराधियों को मिटाने में हमसे बात हमसे कोई पूछे तो हम तो कहेंगे कि शमशान जगह है, जेल में नहीं। जेल से एक्सटॉर्शन यही लोग लेते हैं, जेल से मरवाते यही लोग हैं, हर घटना यही। इन लोगों को सीधा शूट एंड साइट करना चाहिए, माफियाओं का जगह समाज में नहीं मिलना चाहिए। हम सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, यदि शूटर नहीं पकड़ा है, SIT का जांच नहीं हुआ और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की तो सासाराम बंद करें। पूरा चाहे चंद्रमा जी का मामला हो, चाहे हमारे प्रमुख साहब का मामला हो, जब भले और सामाजिक लोग नहीं बचेंगे तो फिर हमें मरने की और लड़ने की तैयारी।